कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए है, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहाँ जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ सीमा पर उनको रोका गया, वहाँ से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं।